हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एंजॉय कुकिंग। आज हम हमारे किचन में बनाने जा रहे हैं पनीर के ब्रेड वाले रोल्स। तो आइए बिना देर के जानते हैं पनीर ब्रेड रोल्स कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, पनीर रोल बनाने के लिए हमें लेना है यह 1.5 लीटर दूध का पनीर। यह मैंने पनीर घर में बना के यह रखा हुआ है। और लेना है 2 प्याज मीडियम साइज के चॉप करके, 2 मीडियम साइज के टमाटर इन्हें भी बारीक काट लेना है, हरा धनिया और हरी मिर्ची, और लेना है लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, काली मिर्ची पाउडर 1/2 चम्मच और नमक स्वाद के अनुसार। सबसे पहले हमें इस पनीर को ग्रेट कर लेना है। यह देखिए फ्रेंड्स, हमने पनीर ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें टमाटर, प्याज और हरा धनिया डाल देंगे। यह देखिए पनीर में मैंने टमाटर, प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्ची डाल दी है। इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब हम इसमें डालेंगे नमक, लाल मिर्ची और काली मिर्ची और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम तवा गरम करने के लिए रख देंगे। थोड़ा सा इस पे तेल डाल देंगे। अब हम ब्रेड के ये कॉर्नर्स काट लेंगे। ये ब्रेड के मैंने कॉर्नर्स काट लिए हैं। इन कॉर्नर्स को फेंकना नहीं है, इसे हम पीस के यूज कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक एक स्लाइस को हमें बेलना है। इसे प्रेस करके बेलना है ऐसे। अब हमें एक एक ब्रेड पर थोड़ा थोड़ा मसाला रखना है और इसे रोल करना है इस तरह। थोड़ा सा इधर पानी लगा देना है और फिर इसे रोल करना है। ये देखिए इस तरह में थोड़ा सा ही मसाला भरना है, रखना है, थोड़ा पानी लगाना है और फिर इसे स्टिक करना है बस। ये हो गया। इसी तरह हमें सभी ब्रेडों में मसाला भरना है और इस तरह रोल बनाना है। इन सभी रोल को हमें तवे पे रख के धीमी आंच पे सेकना है तेल डालकर। गैस को लो टू मीडियम रखना है। इस तरह हमें तवा घुमाते रहना है ताकि हमारी सभी रोल्स अच्छे से सीख जाए। इसे 2 मिनट ऐसे ही सीखने दे, उसके बाद में हम पलटेंगे। ये देखिए हमारे रोल्स सीख गए हैं, हम इन्हें पलट रहे हैं। इसे थोड़ा थोड़ा ऑयल और डाल देंगे और इसे 1 मिनट और सीखने देंगे। ये बहुत जल्दी सीख जाएगी। अभी हमारी रोल्स सीख गई है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे, गैस को बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे ब्रेड रोल्स तैयार हो गए हैं। इन्हें सर्व करें टमाटो सॉस और हरी चटनी के साथ। ये बहुत ही अच्छे और क्रंची लगते हैं।
तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारे पनीर के ब्रेड रोल्स तैयार हो गए हैं। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू, एंजॉय कुकिंग।